हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं एनिमल किंगडम, जिसकी मैं लगातार चर्चा कर रहा था। ये पांचवा वीडियो होगा एनिमल किंगडम। चूंकि हम पूरा आपका सिलेबस लेकर चल रहे हैं, तो अभी उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। वो भी क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन का मतलब जो TGT PGT और किसी भी स्टेट का हो, या लेक्चरर एग्ज़ाम बायोलॉजी का हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो चैप्टर वाइज हैं कि एनिमल किंगडम से अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो चैप्टर वाइज हैं। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका उस चैप्टर पर पूरी कमांड होगी, उस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन पता चलेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ में अभी हमने बात की है प्लाज्मोडियम, अभी चल रहा है हमारा पैरामीशियम। तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और चैप्टर वाइज इनको अरेंज किया गया है। तो वीडियो शुरू करें, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दूसरा, जब आप वीडियो देखें तो पूरा मोबाइल का स्क्रीन फुल करके देखें। अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो साइड में तीन डॉट लगे हैं, उस पर क्लिक करेंगे या सेटिंग पर जाकर आप उसको 480 वीडियो क्वालिटी कर लेंगे, बिल्कुल क्लियर वीडियो आएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे पहले जो 100वां क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर ए था। क्या था? ए था। तो इससे पहले हमने क्यूज में क्वेश्चन पूछा था, अभी 101 क्वेश्चन देखते हैं। इन पैरामीशियम द फिनोमना ऑफ द साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है इसमें, इससे किससे होता है? उत्सर्जन से, चलन से, पाचन से, पुनरुत्पादन से। तो साइक्लोसिस किससे संबंधित है? तो हम आपको बता दें कि साइक्लोसिस जो संबंधित है उसमें भोजन का पाचन होता है। साइक्लोसिस में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। तो ये सी ऑप्शन सही होगा, अर्थात डाइजेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें जो रिगार्डिंग जो कंजुगेशन संबंधित ये पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हम आपको बताए थे, कल भी इसको आया था इस तरह क्वेश्चन, कि चार केंद्रकों में से तीन विघटित हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चार जो केंद्रकों में से तीन केंद्रक विघटित हो जाते हैं। सिल्वर लाइन सिस्टम एसोसिएटेड विद, ये तो कई बार PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, तो वो सिल्वर लाइन सिस्टम पाया जाता है किसमें? एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और साइकॉन में। तो वो पैरामीशियम में हमें देखने को मिलता है सिल्वर लाइन सिस्टम। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, सिल्वर लाइन सिस्टम फाउंड इन पैरामीशियम। सिल्वर लाइन जो पाया जाता है वो पैरामीशियम में हमें देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक भी क्वेश्चन बता दें कि जो पैरामीशियम को खोज किया था वो हिल ने किया था। साइंटिस्ट का नाम था, पैरामीशियम की जो खोज की थी वो हिल ने की थी। पैरामीशियम एक फ्री लिविंग एक्वाटिक एनिमल है, इसे स्लीपर एनिमालिक्यूल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें काउडल टप्ट भी पाया जाता है, बेसल ग्रेन्यूल होता है, काइनेसोसोम होता है, ट्राइकोसिस्ट होता है। और ट्राइकोसिस्ट का काम क्या है? तो ट्राइकोसिस्ट क्या करता है? बचाव के लिए उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व, तो एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व, तो इसका ऑप्शन आप बताइएगा फटाफट। के ऑप्शन आगे देखते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। मोड ऑफ द फूड इनटेक द पैरामीशियम, पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली होती है, होलोजोइक होती है, होलोफाइटिक होती है, सेप्रोजोइक होती है, एंटेरोजोइक होती है। तो आप इसका ऑप्शन बताइएगा, तो ये होता है होलोजोइक होती है। क्या होता है? होलोजोइक। जो पैरामीशियम भोजन लेता है वो होलोजोइक होता है, इसका जो टाइप है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प
इन एनकरेज एंड डिफेंस ऑफ पैरामीशियम। तो इसमें से कौन इनकरेज और उसके सुरक्षा के लिए पैरामीशियम में काम करता है, तो कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, नेमाटोसिस्ट या ट्राइकोसिस्ट या स्टेटोसिस्ट या स्पायरोसिस्ट। तो ट्राइकोसिस्ट होती हैं, ये दग जाती हैं और अपने शत्रुओं को बेहोश कर देती हैं या कुछ समय के लिए निश्चेत कर देती हैं, तो उनको ट्राइकोसिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई आकर इन विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं, तो विषम रूपी नाभिक किस में पाए जाते हैं, मानव जनन कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में, न्यूरॉन्स में, सिलिएटेड प्रोटोजोअन में। तो ऑप्शन सही होगा सिलिएटेड प्रोटोजोअन में, चूंकि इसमें माइक्रो न्यूक्लियस भी पाया जाता है और मेगा न्यूक्लियस भी पाया जाता है, खासकर पैरामीशियम में। साइटोपाइक इज फाउंड इन, तो साइटोपाइक जो पाया जाता है वो किस में, पैरामीशियम में, एंटामीबा, अमीबा और ट्रिपैनोसोमा, किस में देखने को मिलता है, ऑप्शन आप बताइएगा। तो साइटोपाइक हमें देखने को मिलता है पैरामीशियम में, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है जो अनडाइजेस्टेड पल्मोनरी को बाहर निकालता है। इंडोमिक्सिस ऑफ द पैरामीशियम इज द फिनोमेना रिलेटेड टू द, तो ये जो फिनोमेना होता है वो किससे संबंधित होता है, तो आप बताइएगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका संबंध होता है रिप्रोडक्शन या जनन से होता है, इंडोमिक्सिस का संबंध जनन से होता है। नेक्स्ट है, इन पैरामीशियम बोथ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वर्क एट सेम रेट, एंटीरियर वर्क फास्टर देन पोस्टीरियर, पोस्टीरियर वर्क फास्टर देन एंटीरियर, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो पोस्टीरियर वर्क तेजी से करती है एंटीरियर के पीछे, यानी अगली वाली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पिछली वाली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अगली के पीछे अधिक तीव्रता से कार्य करती है। सम इंडिविजुअल ऑफ पैरामीशियम हैव द स्पेशल ग्रेन्यूल्ड कॉल्ड कप्पा पार्टिकल्स दियर साइटोप्लाज्म विच प्रोड्यूस द टॉक्सिन नोन एज, ये क्वेश्चन द्वारा पूछा गया। तो इसकी खोज, जो कप्पा पार्टिकल की खोज की थी, ये हमने आपको कल ही बताया था कि सोनबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, किसकी, कप्पा पार्टिकल की। कप्पा पार्टिकल की वजह से पैरामीशियम हैज कप्पा लैम्डा म्यू पाई पार्टिकल। देखिए, एक और हम आपको बहुत अच्छी बात बता दें, अगर आप वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं, कि पैरामीशियम में कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं, तो कप्पा पार्टिकल विश्व प्रसिद्ध है, सब कोई जानता है। इसके अलावा इसमें लैम्डा पार्टिकल पाया जाता है, म्यू पार्टिकल पाया जाता है एंड पाई पार्टिकल इन साइटोप्लाज्म। कौन कौन से पाए जाते हैं, कप्पा पार्टिकल पाया जाता है, लैम्डा पार्टिकल्स पाया जाता है, म्यू पार्टिकल्स पाया जाता है, पाई पार्टिकल्स पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। दे डिफ्रेंशिएट पैरामीशियम बिटवीन सेंसिटिव एंड किलर, इनकी वजह से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि कौन सेंसिटिव है और कौन किलर है। तो कितने पार्टिकल हमें देखने को मिले, चार, कप्पा, लैम्डा, म्यू, पाई। तो नोट कर लीजिएगा कि इतने पार्टिकल्स हमें पैरामीशियम में दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं चल के, तो इसमें हिमेसिन, कैपेसिन, पैरामीशियम और सेंसिटिन, तो इसमें से पैरामीशियम निकलता है, ध्यान रखिएगा, पैरामीशियम निकलता है। अब हम बात करने लगे अगले की, कि स्लीपिंग सिकनेस इज मैन इज कॉज्ड बाय, तो आप सब जानते हैं किसके द्वारा होता है, तो इसका आप ऑप्शन आपके सामने है। तो जो ये स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है, ये होता है ट्रिपैनोसोमा के द्वारा। इसको सीसी फ्लाई या गैम्बियंस, जो मक्खी होती है, सीसी फ्लाई बोलते हैं उसको, ये फैलाने का काम करती है, ध्यान रखिएगा, गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, या इसे गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस रोग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रिपैनोसोमा एक जू फ्लैजिलेट प्रोटोजोवन पैरासाइट है। ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स के ब्लड में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, किस में पाया जाता है, वर्टिब्रेट के ब्लड में पाया जाता है। ये करता क्या है कि जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसको इफेक्टेड करता है, जिसके व्यक्ति को नींद आने लगती है। ट्रिपैनोसोमा इज एन इंडो पैरासाइट, ब्लड पैरासाइट, एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट। इंडो पैरासाइट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है, ब्लड पैरासाइट होता है। ट्रिपैनोसोमा हैज ए न्यूक्लियस, ए फ्लैजलम अंडर अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। इसमें एक आपको और बता दें कि ट्रिपैनोसोमा में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम
अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसमें ब्लिफेरोप्लास्ट, ब्लेसर ग्लैन्यूल एंड काइनेटोप्लास्ट उपस्थित रहते हैं। तो ये हमारे लिए और महत्वपूर्ण है। ट्रिपैनोसोमाइस पॉलीमार्फिक, ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा जीव जो होता है वो पॉलीमार्फिक है। तो ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो पॉलीमार्फिक होता है। कैसा होता है? पॉलीमार्फिक होता है। इसके जो रूप हैं वो हैं लिस्मानिया, लेप्टोमोनाट, क्रिथीडियल और ट्रिपैनोसोमल। ध्यान रखिएगा इतने होते हैं। और ट्रिपैनोसोमा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें केवल अलैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन का अभाव होता है। ये डाइजेनेटिक होता है, अर्थात जीवन चक्र दो जीवों पूरा करता है। अभी आगे अगर आएगा तो इसको और डिटेल से हम बताएंगे, नहीं तो पूरा वीडियो इसी में चला जाएगा। कंजुगेशन हेल्प द पैरामीशियम, इन जो पैरामीशियम कंजुगेशन जो हेल्प करता है वो हम आपको बता दें कि रिजुविनेशन, हेरिडिटी वेरिएशन, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, इन सब में हेल्प करता है। क्योंकि जो पैरामीशियम, ये माना जाता है कि पैरामीशियम जब वीक होने लगता है, उसके शारीरिक क्षमता घटने लगती है, तो वो क्या करता है? कंजुगेशन करता है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लिस्मानिया डेनोविनाई, इसमें से कौन सी डिजीज लिस्मानिया डेनोविनाई से उत्पन्न होती है? तो आप बताइएगा, तो लिस्मानिया से जो डेनोविनाई से काला आजार होता है। क्या होता है? काला आजार होता है। चलो लिस्मानिया के बारे में बता दें। लिस्मानिया इज पैथोजेनिक ब्लड फ्लैजलेट, लिस्मानिया इज डाइजेनेटिक इंटरमीडिएट होस्ट इस सैंड फ्लाई। ये भी क्वेश्चन कई बार पीजीटी में आया है कि लिस्मानिया किस किस कौन फैलाता है, तो ये सैंड फ्लाई फैलाती है। बिलोंग द जीनस प्लियोबोटमस, अभी कभी कभी लिस्मानिया डेनोविनाई काज काला आजार या विसरल लिस्मानियासिस बोलते हैं। काला आजार को जो बोलते हैं विसरल लिस्मानियासिस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, काला आजार इज आल्सो कॉल्ड द डम डम फीवर। क्या बोलते हैं? डम डम फीवर बोलते हैं, या दुम दुम फीवर भी बोल सकते हैं, DUM DUEM, अब आप जो भी पढ़ना चाहे, DUM DUEM, डम डम फीवर भी बोलते हैं। तो आप लिख लीजिएगा कि डम डम फीवर किसे बोलते हैं, तो डम डम फीवर कालाजार को बोलते हैं। कालाजार का दूसरा नाम होता है विसरल लिस्मानियासिस। ध्यान रखिएगा, और ये जो इन्फेक्शन होता है ये स्प्लीन और लीवर में होता है, सेकेंडरी जो बोल सकते हैं सेकेंडरी इन द बोन मैरो एंड इंटेस्टाइनल। पहले तो ये स्प्लीन और लीवर को इफेक्टेड करता है, और उसके बाद ये हमारी आंतों को भी इफेक्टेड करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक इसकी अदर जाति है लिस्मानिया ट्रोपिका, देख रखना, लिस्मानिया जो ट्रोपिका है वो ओरिएंटल सोर फैलाती है। कौन फैलाती है? ओरिएंटल सोर नामक रोग फैलाती है। इसको क्यूटेनियस लिस्मानियासिस कहते हैं, ये मनुष्य में पाया जाता है। और ओरिएंटल सोर जो होता है वो सीधे कनेक्ट, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। लिस्मानिया की एक और जाति है लिस्मानिया ब्रासिलियानसिस, ये यूएस पुनीडा या नासो ओरल लिस्मानियासिस फैलाती है। स्पुनीडिया बोलते हैं, स्पुनीडिया बोलते हैं लिस्मानिया ब्रासिलियानसिस जो उत्पन्न करती है वह स्पुनीडिया, या इसका दूसरा नाम है नासो ओरल लिस्मानियासिस, जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हमने आपके लिस्मानिया के बारे में सारी जानकारी दे दी है। तो अभी लिस्मानिया से आने वाला कोई भी क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि हम आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो दे रहे हैं, आप देखिएगा और मजा लीजिएगा उसका। ग्लोसिना पैपलिस इज ए वेक्टर ऑफ, तो ग्लोसिना जो पैपलिस है वो किसका वेक्टर है? तो अभी हमने आपको बताया था कि सीसी फ्लाई का जो नाम है जूलॉजिकल, वो ग्लोसिना पैपलिस है। तो देखिए क्वेश्चन उसने ट्रिपैनोसोमा से ही लगातार पूछ रहे हो, हम चूंकि चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं तो उससे जो क्वेश्चन आए, तो ग्लोसिना पैपलिस को सीसी फ्लाई मक्खी बोलते हैं, इससे निद्रा रोग होता है। हमने बताया था ट्रिपैनोसोमा, इसके बारे में भी बताया था कि पॉलीमॉर्फोज होता है लिस्मानिया, लेप्टोमोनाट, क्रिथीडियल और ट्रिपैनोसोमल। तो इसको हमने आपको पूरी डिटेल आपको दी है, मुझे नहीं लगता है आप कहीं कंफ्यूज होंगे। नेक्स्ट है मलेरियल फीवर कॉज्ड बाय ए टॉक्सिक सबस्टेंस रिलीज्ड बाय पैथोजन, दिस सबस्टेंस वो कौन सा होता है? तो वो होता है हीमोज्वाइन। जो मलेरिया में जो टॉक्सिन निकलता है वो हीमोज्वाइन निकलता है, जिससे फीवर आता है।
मैच लिस्ट फर्स्ट, मैच लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर द यूजिंग फ्रॉम द कोड गिवन ब्लो। इसमें मतलब हमें मिलान करना है पहले लिस्ट और दूसरे लिस्ट से, और जैसा आंसर हो वो हमें बताना है। तो ब्लड डिसेंट्री, तो आपको बता दें कि एंटामीबा हिस्टोलेरिका से होता है। इकोनोसिस और हाइडेटियल डिसीज और लिस्मानिया, इसका आगे वाला भी देख लेते हैं। तो जैसा कि फोर्थ नंबर पे हमें दिया क्या है, दिया हुआ है ब्लड डिसेंट्री, इकाइनोकोकस, फाइलेरिया, एंटामीबा, हाइड्रेटेड डिजीज और लेस्मानिया, और डी नंबर पे दिया हुआ काला आजार और बाउचेरिया। तो इनका सही मैच हमें करके आप बताइए, ये होमवर्क है आपके लिए। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट तो बिल्कुल आप करिएगा। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो दो शब्द आपको लिखते बनता है कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्या सुधार चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।